मिथिला विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में सोमवार को गुरु रविंद्रनाथ जयंती उत्सव पूर्वक मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि, लघु कथककार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार, चित्रकार और संगीतकार थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, उपकुलपति प्रोफेसर डॉली सिंह और विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, शिक्षकोत्तरगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्वागत भाषण विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पन नारायण के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में गुरुदेव रविंद्रनाथ की विश्व व्याख्यात रचना गीतांजलि की चर्चा की और शिक्षा में अपने योगदान की वर्तमान संदर्भ से जोड़कर उनकी प्रासंगिकता को समझाया। प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने गुरुदेव की जीवन की चर्चा करते हुए उनकी दूरदृष्टि और प्रकृति प्रेम की व्याख्या की। संगीत विभाग की छात्राओं ने रविंद्र संगीत की प्रस्तुति दी और नाट्य विभाग के छात्रों के द्वारा गुरुदेव रचित डाकघर कहानी के नाट्य रूपांतरण का मंचन किया गया। नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन ऋषभ कश्यप का था। कार्यक्रम का संचालन ऋषभ और निखिल ने सुचारू रूप से किया। संबल मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है। बिना किसी औपचारिक भाषण के मैं म्यूजिक डिपार्टमेंट की हेड टीम, इंग्लिश डिपार्टमेंट की HOD मैडम और डीन ह्यूमैनिटीज PVC मैडम जो हर जगह उपस्थित रहती हैं, अपने सभी प्राध्यापक, आचार्य साथी, विद्यार्थी और मीडिया के साथ, मैंने पहले आपसे कहा कि गुरुदेव का नाम जहाँ भी आता है वहाँ हमें भारतीय होने का एक गर्व होता है। एक अखंड भारत, एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत की कल्पना मिलती है गुरुदेव के साहित्य से, गुरुदेव की रचना से, उनके गीतों से, उनके नाटे से। जिस ग्रंथ पर उनको गीतांजलि पर नोबेल प्राइज मिला, संभवतः वो बहुत साधारण सा ग्रंथ है। ऐसे अगर आप देखें तो आप में से किसी ने अगर पढ़ा होगा तो ऐसा कुछ इम्प्रेशन उसमें नहीं लगता है या दिखता नहीं है जो ये बताए या समझाए हमें कि ऐसा कुछ हमने सुना नहीं है भारत में, ऐसा कुछ देखा नहीं, कुछ ऐसा नहीं मिलता उसमें। मोटे तरीके से अगर उसको हम देखना चाहते हैं तो उस पूरे ग्रंथ में, पूरी कृति में जो अखंड भारत और भारत का रहस्य और भारत की कल्पना है, जो भारत का दर्शन है, जो भारत का साहित्य है, उसकी झलक मिलती है। बहुत सारे लोगों को आपने पढ़ा होगा, तमाम कवियों को आपने पढ़ा होगा, रहस्य बात बहुत सारे कवियों का एक हिस्सा होता है, जो अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है और गुरुदेव की ग्रंथ में। जब कभी हम रहस्य की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है रहस्य का मतलब प्रकृति, और प्रकृति से बड़ा कोई रहस्य नहीं है, न कुछ रहा होगा न आगे होगा। तो जहाँ अध्यात्म आता है, जहाँ दर्शन आता है, जहाँ प्रकृति आती है, निश्चित रूप से विचारों का एक प्रवाह बनता है, एक श्रृंखला बनती है, एक व्यवस्था। तो ये दर्शन ग्रंथ जो वास्तव में जिस पर गुरुदेव को नोबेल प्राइज मिला, वो इन्हीं चीज़ों का समिश्रण है। और पूरे भारत का जो दर्शन भारतीयता है, जिसकी कल्पना हम करते हैं, जिसकी सोच हम करते हैं, जिस अखंड भारत, समर्थ भारत, सशक्त भारत की बात करते हैं, वो इन्हीं ग्रंथों के उसी रहस्य से निकला हुआ एक परिमार्जित स्वरूप बनता है।
आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ऐसे क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, आप कौन कौन लोग भाग लिए कार्यक्रम? ये रविंद्र जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के दिवस पे होता है। ये 7 तारीख को हो रहा था, 7 मई को, क्योंकि 7 मई को रविवार होने की वजह से आज 8 तारीख को मनाया जा रहा है। वैसे उनकी जयंती पूरे सप्ताह लोग मनाते हैं, आज 8 तारीख को ये जयंती के उपलक्ष्य में जो विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग और अंग्रेजी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम विश्वविद्यालय ने हमें दिया। अंग्रेजी विभाग का कार्यक्रम 4 तारीख को हो गया, जिसमें अंग्रेजी विभाग ने डिबेट करवाया बच्चों के बीच, विश्वविद्यालय के सभी विभाग के बच्चों के बीच। और आज जो कार्यक्रम है ये हमारे विभाग के छात्र छात्राओं के द्वारा आयोजित है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के मुख्य गीतों में से 2-4 गीतों का चयन करके उनका ये गायन करें। उसके बाद उनकी एक कहानी है डाकघर, उस पर हमारे विभाग के छात्र ने उसका नाट्य रूपांतरण किया है ऋषभ कश्यप ने, और अभी उनकी प्रस्तुति होगी हमारे विभाग के बच्चों के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व, और उनके बीच मुझे लगता है कि सब कुछ समाहित है। अब दर्शन ढूंढेंगे तो वो भी उनके व्यक्तित्व उनके कृतित्व में दिखता है। आप मनोविज्ञान ढूंढेंगे वो भी दिखता है, आप तकनीकी चीज़ों को ढूंढेंगे वो भी दिखता है, विज्ञान दिखता है। साथ ही और सबसे बड़ी बात है कि हम जो लैंग्वेज एक भाषा के लिए जो बोलते हैं, भाषा के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, पर्यावरण के प्रति प्रेम, ये सारी चीज़ों का संकलन उनके लिखे हुए गीतों में, उनके लिखी हुई कहानियों में और उनके लिखे हुए नाटकों में मिलते हैं। कौन कौन लोग भाग लिए इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में हमारे बीच अभी माननीय कुलपति महोदय अभी आए थे, अभी उन्होंने आशीर्वचन दिया है बच्चों को, एक आवश्यक कार्य से मीटिंग होनी है इसलिए वो अभी यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। माननीय प्रति कुलपति महोदय अभी उपस्थित हैं, वो अभी हमारे बीच रहेंगे। हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाना ये विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी होती है, तो माननीय प्रति कुलपति महोदय अभी रहेंगे। और हमारे बीच मानविकी संकाय के संकायाध्यक्ष भी हैं और अंग्रेजी विभाग विभागाध्यक्षा भी हैं, साथ ही हमारे विभाग के अतिरिक्त कई विभाग के छात्र छात्राएं भी उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम मूलतः छात्र छात्राओं के लिए सुनने और देखने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में है। जैसे हमारे यहाँ के संगीत के पाठ्यक्रम में रविंद्र संगीत है पढ़ना, उसी तरह लिटरेचर के बच्चों में भी पढ़ना है, रविंद्र जी के लिटरेचर को पढ़ना है। तो ये छात्र छात्राओं के लिए अगर विश्वविद्यालय